हाय फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर के आया हूँ कुछ विशेष ट्रिक्स, जो ट्रिक है आपकी विद्युत प्रदीपन से और यहाँ पैसिव डिवाइस। विद्युत प्रदीपन से ऐसी ट्रिक है कि जहाँ पर सभी का कन्फ्यूजिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कन्फ्यूजिंग को समाप्त करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया गया है देखेंगे। यहाँ पर एक मैंने ट्रिक बनाई है जिससे आपको चार मात्रक बड़े आराम से याद रहेंगे और ये भी आपको पता रहेगा यहाँ से कि पैसिव डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको देखेंगे कि प्रदीपन जो है, प्रदीपन के मात्रक कौन कौन से हैं। तो प्रदीपन के मात्रक हम इससे याद रख सकते हैं, ई लबर जेतवा फूले को पैदल ताके। फ्रेंड्स इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों में। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हमारे चैनल को आप शेयर करेंगे हमको बहुत ही अच्छा लगेगा, और कमेंट जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके करें फ्रेंड्स, थंबनेल जरूर करें। तो फ्रेंड्स यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखा है ई लवर, इसका मतलब हो गया, ई से मतलब हो गया कि आपका इफिशियंसी, इसी को हम दक्षता कहते हैं। तो इफिशियंसी का मात्रक जो होता है ये ल्यूमेन प्रति वाट, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं ल्यूमेन प्रति वाट। तो ये आपका पहला फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स ये ल्यूमेन प्रति वाट इसका मतलब क्या हो गया कि दक्षता का मतलब होता है आउटपुट बटे इनपुट। जैसे मान करके चलिए कि कोई भी डिवाइस है, इसमें हमने इनपुट कितना किया और आउटपुट कितना मिला। अगर कोई लैंप है तो इनपुट में हम उसको शक्ति देंगे जो वाट में रहेगी, और आउटपुट में वहां से प्रकाश उत्पन्न होगा जो आपका रहेगा किसमें, ल्यूमेन में। तो फ्रेंड्स आउटपुट बटे इनपुट, कोई भी लैंप है तो उसमें हम इनपुट दे रहे पावर और आउटपुट में वहां से प्रकाश निकल रहा है, तो आउटपुट बटे इनपुट हो गया। तो आउटपुट में जो प्रकाश आपका निकल रहा है, ल्यूमेन जो निकल रहा है वो बटे इनपुट, मतलब जो इनपुट हम जो सप्लाई दे रहे थे वो। तो फ्रेंड्स याद रखना ये ल्यूमेन प्रति वाट ये दक्षता का मात्रक होता है, किस दक्षता का, ठीक है, प्रदीपन की दक्षता या लैंप की दक्षता का मात्रक होता है। फ्रेंड्स अगला यहाँ पर अगला मात्रक है यहाँ पर ज्योतिवा फूले, तो इसका मतलब हो जाएगा ज्योति फ्लक्स, ये ज्योति हो गया ये फ्लक्स हो गया, इसका मात्रक होता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मात्रक होता है ये ल्यूमेन। तो ये भी आप बड़े आराम से इसको याद रख सकते हैं कि ज्योति फ्लक्स जो फाई होता है, फ्लक्स जो होता है, ज्योति फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक वेबर होता है। यहाँ से हम ये ज्योति फ्लक्स है, अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात आती है, चुंबकीय फ्लक्स की बात आती है तो इसका मात्रक होता है वेबर। फ्रेंड्स ये भी याद रखना। और जो वैद्युतिक फ्लक्स होता है, वैद्युतिक फ्लक्स इसका मात्रक होता है न्यूटन। फ्रेंड्स याद रखना वैद्युत फ्लक्स, सॉरी इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। वैद्युतिक फ्लक्स का मात्रक कूलाम, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, और ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। हम इससे याद रख सकते हैं ज्योति फ्लक्स का मात्रक। अब यहाँ पर लिखा है फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर पैदल, इसका मतलब हो गया प्रदीप्ति, जो प्रदीप्ति होती है, प्रदीप्ति इसका मात्रक होता है लक्स। यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा आपका, इसको हम इससे बड़े आराम से याद रख सकते हैं, ताकि यहाँ से मतलब हो गया, ता से मतलब हो गया तीव्रता, ये कौन सी तीव्रता है, हम यहाँ पर प्रदीपन पढ़ रहे हैं तो इसमें ज्योति होगा। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कैंडला, ये एक SI यूनिट भी है। फ्रेंड्स याद रखना यहाँ से हम लोग इसको देख सकते हैं कि विभिन्न पैसिव डिवाइस, जो पैसिव डिवाइस होते हैं, जो पैसिव डिवाइस होते हैं वो ओम के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, जो ओम के सिद्धांत पर कार्य करने वाले जो डिवाइस होते हैं उनको पैसिव डिवाइस कहते हैं, और इनमें स्वयं की विद्युत सप्लाई नहीं होती, इनको किसी दूसरे के द्वारा प्रचालित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि ट्रिक, इसमें टी से मतलब हो गया ट्रांजिस्टर, आर से मतलब हो गया रजिस्टर, आई से मतलब हो गया इंडक्टर, और सी से मतलब हो गया कैपेसिटर। इनमें स्वयं की अपने आप की विद्युत सप्लाई नहीं होती है, इनको किसी अन्य सप्लाई के द्वारा या सप्लाई स्रोत के द्वारा प्रचालित किया जाता है। जिन इंस्ट्रूमेंट में अपने स्वयं की सप्लाई होती है वो
पैसिव डिवाइस नहीं होते, उनको हम एक्टिव डिवाइस कहते हैं, जिसमें स्वयं की विद्युत सप्लाई होती है। जैसे कि कोई अर्धचालक है, वो एक्टिव डिवाइस है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर हम देंगे तो विद्युत सप्लाई उत्पादित होने लगती है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की ट्रिक? अगर ट्रिक हमारी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।